तो भाई अभी हम करने वाले जीरो कटिंग, तो भाई बहुत ध्यान से देखना कैसे करनी है। तो भाई अभी मैं चिमटी लगा रहा हूँ, और भाई ध्यान से देखना कैसे लगाते हैं चिमटी को। पहले तो भाई ऐसे मांग निकाल देनी है। और भाई जो बंदे नए हैं चैनल पर तो भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि भाई ऐसी ऐसी ट्यूटोरियल वीडियो आती रहती हैं, और भाई बहुत ही बेसिक तरीके से बताते हैं जो बंदे सीख रहे हैं उनके लिए। तो भाई ऐसे हमको यहाँ से ऐसे मांग निकाल लेनी है जो कि एकदम सिमिलर होनी चाहिए। और जैसे इस तरफ लगाई है वैसे ही इसी तरफ भी हम चिमटी लगा लेंगे यहाँ पे ऐसे। तो भाई अभी इसकी करेंगे हम जीरो कटिंग, और भाई बहुत ही ट्रेंडी लुक देने वाले हैं। तो भाई सबसे पहले हमने ले रखी है जीरो मशीन जो कि बिल्कुल जीरो है। तो भाई यहाँ से जहाँ पे हमारी जो ये नोक होती है यहाँ से हम कटिंग को लेंगे और ऐसे लेके जाएंगे डाउन में, ठीक है। यहाँ से ऐसे फिर इसको नीचे से साफ कर लेंगे जहाँ तक हमारा मार्क है वहाँ तक, इस तरीके से कुछ। और भाई यहाँ पर जो है कट लगाना है यहाँ से हमें यहाँ पर मार्कर छोड़ देना है, ठीक है, ताकि अगला बंदा आगे खत बनवाए तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो थोड़ी सी ऊपर से लेना है हमको, ठीक है भाई। यहाँ से इसको कर लेते हैं ऐसे साफ। जैसे हमने इस तरफ मार्क लगाया है वैसे ही हम परली तरफ भी मार्क लगाएंगे। भाई यहाँ से भी मैं साफ कर रहा हूँ इसको इस तरीके से जैसे पहले तरफ से किया था। और भाई पीछे की तरफ आगे हमें यहाँ से इस वाले मार्क को इस वाले मार्क से मिला देना है जो कि एकदम गोल होना चाहिए। तो भाई हमारा इतना काम ख़त्म होने के बाद में ये पहली तरफ चले करना, यहाँ से हमें यहाँ से गोल करना है और यहाँ से ऐसे कटिंग लेके आनी है, ठीक है। तो अभी हम चाहे तो एक नंबर का कंघा भी लगा सकते हैं, और भाई मैं अभी कर रहा हूँ सिंपल कंघे से ऐसे, ठीक है। तो भाई मैंने ये वाला कंघा लिया है, तो भाई मैं इसकी यहाँ पे चौड़ी तरफ से नहीं करूँगा, यहाँ से करूँगा बीड़ी तरफ से, क्योंकि जीरो है तो जीरो में अच्छे से मैचिंग हो जाती है इससे। भाई यहाँ से लेके हमें जहाँ तक हमें स्लोप रखना है अपना वहाँ तक लेंगे इस कंघे को, और यहाँ से ऐसे मशीन फेर देंगे, ठीक है। जहाँ तक लगभग मिलाई हो जाएगी इसकी, फिर बाद में हम जीरो से इसकी थोड़ा सा क्लिप दबा कर फिर इसकी मिलाई करेंगे। यहाँ से अभी एक नंबर का कंघा भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से जीरो की मशीन से मिलाई करूँगा डायरेक्ट। तो मैं ऐसे ही कंघे से चारों तरफ मिलाई कर रहा हूँ ताकि जो हमारे जीरो मशीन का स्लोप है वो अच्छे से बन जाए। तो भाई इतना काम कर लेने के बाद हमें जो है मशीन का यहाँ से क्लच दबाना है, ठीक है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा बहुत ही दबाना है, और यहाँ से दबाने के बाद फिर इसको ऐसे उठाना है ऊपर की तरफ ऐसे, ताकि जो यहाँ से लेके हमारा ऐसे स्लोप बन जाए ऐसे। तो इसको ऐसे उठाते उठाते हमें चारों तरफ कर लेना, हमें सिमिलर तरीके से उठाना है।
यहाँ से इससे इसकी मिलाई हो चुकी है, तो अभी ऐसे ही हम चारों तरफ मिलाई करेंगे इसकी। काम होने के बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी मार लेंगे यहाँ पर, ताकि हम इसको कैंची से अच्छे से सेट कर पाए। ऐसे ऐसे पानी मार के इसको अच्छे से सेट कर लेना। तो हमारा जो है साइड का काम हो चुका है, तो अभी हम करेंगे जैसे ऊपर के बाल काटते हैं तो बस तो कैसे काटते हैं ध्यान से देखना। तो भाई सबसे पहले पानी मार के इनको ऐसे कर लो कि हमारे कंट्रोल में आ जाए। भाई थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेना है देखना, ताकि हम अच्छे से बराबर बाल काट पाए। तो अभी जैसे आगे का पोर्शन लेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ से इनको काट देंगे। थोड़े से बाहर इस तरफ फिर रखेंगे और थोड़े से आगे तरफ फिर रखेंगे, क्योंकि ये कटे हुए हैं ये बड़े हैं, तो अभी इनको बराबर कर देंगे हम ऐसे ऐसे ही थोड़ा सा और फिर पीछे जाएंगे। आपको वीडियो में कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, उसके ऊपर वीडियो आ जाएगी। तो अभी हम इनको खड़े करके देखेंगे कि सही बाल बराबर है कि नहीं है। तो अभी ये ठीक है और हमारी कटिंग कुछ इस तरीके की दिख रही है यहाँ से, और जो आगे के बाल है उनको हम उस तरह से सेट करेंगे। तो भाई ध्यान से देखना उस तरह ब्लेड कैसे डालते हैं। तो गाइज हमारा कुछ फाइनल रिजल्ट ऐसा आया है, ये हमारी जीरो ही कटिंग है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना नई नई वीडियोस के लिए। और भाई जो है इसमें उस्तरा जब उस्तरा लगाया तो भाई वो वाली वीडियो हमने स्किप की है। अगर आपको उस्तरा कैसे चलाते हैं तो भाई वो वाली वीडियो चाहिए तो मैंने पहले भी डाल रखी है। अगर और डिटेल में चाहिए हो
तो भाई कमेंट कर दो, तो भाई नई वीडियो आ जाएगी, और जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसको कमेंट कर देना, उसी टॉपिक पर वीडियो लेके आ जाएंगे। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।